हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। आपको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज है महाशिवरात्रि और हम लोग सब रेडी हो गए हैं। सॉरी, रेडी नहीं हुए हैं, हम सुबह उठ गए हैं और सब मैं सारा काम कर ली हूँ। इधर मेरे बच्चे लोग सबको उठ गए हैं। सारा काम करने के बाद में बच्चे लोग को उठाई, इसके बाद में सब नहाने के लिए बाथरूम में भिड़े हुए हैं और इसके बाद हम अभी जा रहे हैं नहाने। तो आप लोग कैसे, आप लोग अपने घर में किस तरह से महाशिवरात्रि पूजा मना रहे हैं कि आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हम लोग सब तैयारी करके रख रहे हैं और दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या हम लोग सब कर रहे हैं। इधर देखिए, हम लोग नहा धोवा के रेडी हो चुके हैं। देखिए आप लोग, मेरा लुक कैसा लग रहा है आप लोग का। मैं यहाँ महावर लगा रही हूँ। गिनी भी देखिए इधर बैठ गई है लगाने के लिए। तो इसके बहुत मन कर रहा है महावर लगाने का। देखिए हम बैठ गई है, नेल पॉलिश को रंग दिए हैं, पर यहाँ मैं रंग रही हूँ पैर। इसके बिना तो सब चीज़ शुभ ही माना जाता है। जब भी आप पूजा पाठ करें तो सुहागनी स्त्री को सबसे पहले पैर भी रंगना चाहिए और हर चीज़ उन लोग का तैयारी करना चाहिए। देखिए मुने यहाँ हलो कर रहा है आप सबको भी। देखिए गिनी क्या कर रही है। देखिए इसे नहीं बन रहा था, मैं इसमें ढार के इसके बाद में अलग से उसमें लगा रही थी क्योंकि इसे बन नहीं रहा था। तो दोस्तों, हम लोग पूजा पाठ कर लिए हैं और देखिए हम लोग यहाँ सब तैयारी। आपको मेरा लुक कैसा लगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इधर देखिए इसके मुन्नू के पापा उधर तैयारी कर रहे हैं, कुछ सामान उधर रख रहे हैं। इधर मुन्नू देखिए तो छिल रहा है क्योंकि बहुत बहुत खुश है आज वो, क्योंकि बहुत खुशी मना रहा है। पूजा पाठ रहता है घर में तो बहुत उन बच्चे लोग बहुत खुशी मनाते हैं मेरे यहाँ के लेकिन लोग। तो दोस्तों, हम लोग सब तैयारी पूरा कर लिए हैं। तो चलिए बीजो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं तो हम लोग दिखाते हैं पूजा क्या क्या सामग्री लिए हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ है एप्पल लिए हैं, अंगूर है, और यहाँ देखिए दिया वगैरह ये सब है, और जैसे दान बदान में इधर फूल है, और इधर दूध ले लिए हैं। जो भी सामग्री वगैरह सब लगता है वो सब हम ले लिए हैं। इधर जाओ, देखिए हम लोग इधर पूजा नहीं किए हैं, तभी हम लोग जा रहे हैं घर का पूजा करने के बाद हम लोग मंदिर का पूजा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जितने भी सामान थे हम लोग सब ले लिए हैं। तो दोस्तों, हम लोग का पूजा सब हम लोग पूजा पाठ करके रेडी हो चुके हैं। तो देखिए हम आपको इधर दिखा रहे हैं। गिनी देखिए गुस्सा हो रही है कि उसको जल्दी से मंदिर जाना था तो हम लोग लेट लगा रहे थे वीडियो बनाने में, तो गुस्सा देख रही थी। दोस्तों मैं दिखाती हूँ मैं किस तरह से पूजा की हूँ, आप लोग भी देख लीजिए पास से, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। देखिए आप लोग कैसा लगा मेरा यह पूजा, मैं किस तरह से पूजा की हूँ आप लोग देखकर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैं कैसे पूजा की हूँ, अच्छे से की हूँ या नहीं। वैसे भी कहा जाता है कि मन से की हुई पूजा हर सबको बहुत अच्छी रहती है। मन लगा कर जो भी काम किया जाता है वो फलता ही है। तो देखिए इधर हम लोग अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए कितने अच्छे से हम लोग सजा के इसमें पूजा की है, अपना घर का बहुत सुंदर लग रहा है। अपने मूर्ति को बहुत अच्छे से हम लोग देखिए यहाँ पर प्रसाद वगैरह ये जो भी था हम लोग पास हम लोग सब चढ़ा दिए हैं। दोस्तों, आज मैं कैसी लग रही हूँ आपको, मेरा लुक आप लोग कैसा लग रहा है आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए मैं पहुँच चुकी हूँ मंदिर और देखिए यहाँ सबको बाहर चप्पल खुला हुआ है। देखिए नहीं यहाँ रास्ते पे खड़ी है यहाँ पे। देखिए मुन्नू के पापा यहाँ पे हैं और दादी उधर हैं बोल रहे हैं, पंडितान दादी हैं बोल रहे हैं आगे से लो वीडियो, पीछे से नहीं लो, पीछे से अच्छा नहीं आएगा, आगे से ले जाकर वीडियो बनाओ। तो बाबू इधर देखिए लेके मोबाइल और इधर वीडियो बना रहा है। आप लोग भी महाशिव जी का दर्शन कर लीजिए। देखिए यहाँ गिनी भी पीछे पीछे आ रहे थे। देखिए इतना सारा लंबा लाइन था, मैं सबसे पीछे खड़ी थी। मेरे जब मेरा बारी आया ना इसके पीछे बहुत सारे आदमी बहुत सारे मैंने भीड़ और लग गए। ये तो मैं जल्दी से पहुंच गई थी, वरना यहाँ पर दूर दूर बहुत दूर मंदिर है तो हम लोग नज़दीक घर के पास में ही मंदिर है तो बहुत भीड़ था। अगल बगल सबको यहाँ पहुँचे थे। अब ऐसे ही महाशिवरात्रि का पूजा है तो सबको पहुँचेंगे ही। तो यहाँ पर देखिए सब कोई इतने अच्छे से पूजा पाठ कर रहे हैं, इतना आनंद इतना खुशी होता है ना बता नहीं सकते दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों यहाँ पर पूजा पाठ। अब यहाँ देखिए हम लोग मंदिर आ गए, अब ऊपर महाशिव मंदिर हम लोग नीचे पूजा कर ली, इसके बाद हम लोग ऊपर देखिए दुतल्ला एक ठोर मंदिर है वहाँ पर हम लोग पहुँचे।
देखिए यहाँ पर मैं दूध वगैरह ऐसे सब डाल रही हूँ, चढ़ा रही हूँ। ये शिवलिंग है, हम नीचे शंकर जी का पूजा की है, ऊपर अब हम लोग का दो तल्ला मंदिर है, तो वहाँ पे हम लोग देखिए शिवलिंग है। यहाँ पे शिवलिंग जी के पास हम लोग अब आ गए हैं पूजा करने के लिए। देखिए मैं चारों तरफ हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग सब पूजा पाठ किए हैं दोस्तों। मोनू जी ने हम लोग सब कोई मिल के पूजा की है, मैं अपने बच्चों को भी लेकर मंदिर गई थी, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए इतने अच्छे से पूजा की है, मैं बता नहीं सकती हूँ दोस्तों। बहुत ऊपर देखिए शिवलिंग जी के पास उतना भीड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ फैले पूरा एरिया है ना, तो यहाँ पे जल्दी से पूजा वगैरह सब हो जाता है और यहाँ पे आदमी लोग भी एडजस्ट हो जाते हैं। पर नीचे शिव मंदिर में ना थोड़ा सा वहाँ पर जगह कम है, इसके वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाती है वहाँ पर। तो वहाँ पर दो एक या दो आदमी आराम से पूजा कर सकते हैं वहाँ पर। यहाँ पर ऊपर है शिवलिंग जी के पास है, तो ये देखिए हम लोग कितना सारे सबको भीड़ लगा कर पूजा कर रहे हैं यहाँ पर, और सबका हम लोग सबका पूजा भी हो जाता है एक साथ है। यहाँ भीड़ उतना नहीं रहता है, नीचे वाले शिव मंदिर पर बहुत भीड़ रहता है। यहाँ पर मैं आरती दिखा रही हूँ भगवान जी को, मुन्ने के पापा मेरा हाथ पकड़ के इधर आरती में शामिल हुए हैं। देखिए ये भी भगवान जी का नाम ले रहे हैं, देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर लगा कर लाइन लगा हुआ है दिया। क्यों ना हो, क्योंकि आई महाशिव रात्रि भी है, महाकाल महादेव जी का और पार्वती जी का आज विवाह है, तो उन्हीं के देखिए पूजा करने के बाद यहाँ पर मैं अब शिवलिंग जी के पास माथा टेक कर पूजा कर माथा टेक कर मैं उन्हें प्रणाम कर रही हूँ और उनसे आशीर्वाद ले रही हूँ कि हम लोग हमेशा खुश रहे, हमेशा इसी सदा हंसते खेलते रहे, हम लोग सब हमेशा अच्छे से रहे, पूरा घर परिवार ससुराल मायका मेरा बना रहे, हम लोग सब जहाँ भी रहे हैं हम लोग सब सुरक्षित रहे, अच्छे से रहे। तो हम लोग पूजा हो गई थी तब लोग यहाँ आ गए हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं अब यहाँ पे। ये तुलसी जी यहाँ पर रहते हैं, तो तुलसी जी के यहाँ पर पौधा था तो एकदम छोटा था दोस्तों, तो सबको पता ही से ढक दिए थे, तो पता नहीं चल रहा था। जितने भी यहाँ पे सबको थे ना, तो बेलपत्ता से ढक दिए थे, तो पता नहीं चला था, छोटा सा था, बड़ा था तो सूख गया था, तो उसको कबार के छोटा लगा दिए थे। तो इधर देखिए बजरंग बली जी यहाँ भी हैं, तो इधर भी हम लोग पूजा जा सब कर रहे हैं। यहाँ देखिए मुन्हु गिनी जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे गिनी भी कर रही थी, मामा क्या क्या आप चढ़ा रहे हो, मुझे भी दीजिए चढ़ाने के लिए। तो मैं मम्मी बोल रही थी ले जाओ तुम भी चढ़ा लो। देखिए मेरे पास सिंदूर था तो मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो मैं भगवान जी को यहाँ पर तुलसी जी को ठिका कर उस सिंदूर को मैं रख रही थी। इधर देखिए गिनी भी अपना जो जो सामान का घट्टा है ला के ले जाकर वो भी देखिए पूजा करने में भिड़ी हुई है। और मुन्नू यहाँ पे बहुत हंस रहा था, बोल रहा था मम्मा जैसे जैसे आप करो उसे गिनी करिए। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, करने दीजिए पूजा करने दीजिए, मैया का मन है करने दीजिए। देखिए यहाँ पर कहना बाया हाथ कहना खाया हाथ से राइट हैंड साइड से चढ़ा रही है। मेरे पास यहाँ चन्ना का जो रहता है डंठल था उसको मैं चढ़ा रही थी। देखिए कहा जाता है कि बैर मटर गाजर और चना झंगरी वगैरह ये सब ज़्यादा मायने रहता है महाशिवरात्रि पूजा में, क्योंकि बैर ऐसा चीज़ है जो हर चीज़ मनोकामना पूरा करवाता है उन्हें चढ़ाने से। देखिए इधर मेरा सारा पूजा पाठ इधर हो गया था, बस कुछ ही बाकी था। इधर मैं मुन्नू से बोल रही थी बाबू तुम भी थोड़ा सा कर लो, मेरा दुपट्टा तो मेरा सर पर रह नहीं रहा था, बार बार नीचे गिर जा रहा था, पर मैं कैसे भी करके बांध कपार पर ले ले रही थी। कहा जाता है कि बिना सर ढक के आप पूजा नहीं कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। तो देखिए इधर मेरा पूजा हो चुकी है, मैंने पूजा कर ली हूँ, अब हम लोग जा रहे हैं आशीर्वाद ले लेते हैं तुलसी माँ का। देखिए यहाँ पर हम लोग पूजा हो गया है, देखिए मुन्नू इधर से क्लिप ले रहा है और हम लोग इधर आराम आराम से आ रहे हैं। देखिए कितना अच्छा से पूजा हम लोग, अब हम लोग घर आ गए हैं। घर आने के बाद देखिए मुन्नू अब गिनी बोली मम्मा हमको भूख लगा है अब हमको खाना दीजिए। इधर देखिए गिनी अब ताला खोलने के लिए बोल रही है, तो हम ताला लगा कर गए थे क्योंकि यहाँ पे घर पे कोई नहीं था।
तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। देखिए मुन्नू इन दोनों का मुँह चल रहा है। तो दोस्तों आपको आज की पूजा कैसी लगी आप मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों आप लोग किसी तरह अपने घर में हाँ शिवरात्रि पूजा मनाए, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय दोस्तों।